जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाई, आज दिनांक 29 दिसंबर 2023, वार है शुक्रवार और हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर लहसुन का क्या भाव रहने वाला है। किसान भाई, बता दूँ कि आज जो लहसुन के जो भाव थे, अगर देखा जाए तो हाइएस्ट जो हमने देखा है कि 19,600 के समथिंग हमने देखा हाइएस्ट, और अगर एवरेज की बात करें तो ये मान के चलिए कि 17,500 से लेकर के 19,600 के बीच में अच्छा वाला माल बिका है। अच्छा वाला माल का मतलब मेरा है कि फुल बम साइज़ माल नहीं था वो, या तो वो कहीं ना कहीं मीडियम साइज़ माल था, या उसमें कहीं ना कहीं मिक्स था, कहीं ना कहीं जो आपका बोल सकते हैं कि लड्डू पैटर्न में। उसके अलावा अगर जब छर्री साइज़ की हम बात करें तो ये मान के चलो कि 10,000-11,000 से लेकर के 13,000 के बीच में बिका है। लड्डू पैटर्न में अगर हम बात करें तो 13,000 से लेकर के 17,000-17,500 तक भी गया है अच्छा वाला, जो ठोस माल था। रहा सवाल नई लहसुन का, तो नई लहसुन की अगर हम बात करें तो नई लहसुन ये मान के चलो एक लोट 13,000 के आसपास जो किसान ने बताया था वो अच्छा मोटा साइज़ था, बिकते हुए हमने 11,500-12,000 भी देखा है, 9,000-9,500 भी देखा है, और 3,500 भी देखा है। लेकिन हर एक लहसुन की एक अपनी अपनी क्वालिटी थी, लहसुन का एक अपना अपना पैटर्न था। उस पैटर्न को जब आप पूरा वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लहसुन किस भाव में जा सकता है। साथ ही साथ हमने आज कहने के आज से शुरू किया कि जो किसान भाई जो लहसुन लेके आ रहे हैं उनसे अब ये पूछने की कोशिश करें कि अभी उन्होंने इस बार कितना लगाया था माल, साथ में उनका माल वास्तविकता में कब तक मार्केट में अच्छी टाइम से या अच्छी तरीके से बन के बाद आ सकता है, तो सारी जानकारी दी हुई है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इससे कहने की फ़ायदा मिलेगा कि कहने के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम हमारा लहसुन जो मेरे पास पड़ा हुआ क्या हुआ, अब निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, और अगर देखा जाए तो नया लहसुन उसका क्या हो सकता है, क्या नहीं रह सकता, कितने मतलब कितना माल आज आने की संभावना, सारी कहने के पूरा आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। दादा क्या नाम है? देवकरण। दादा से तो पहले भी मुलाकात होती रहती है, आपने देखा ही होगा। अभी क्या आज लहसुन लेके आए? आज कितने कट्टे लेके आए? नहीं, 53 कट्टे। अभी कितना माल और पड़ा आपने? अभी 270 कट्टे पूरे। अभी तो कब तक का प्लान है? बेचते रहेंगे बस। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको कि भाव बढ़ेगा, ऐसा लगता है आपको? हो सकता है। नहीं, देखो मैं आपको सीधी सी भाषा में बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे नया माल आता जाएगा मार्केट में संभावनाएं खत्म होती जाएगी कि माल का भाव आप बढ़े, वास्तविकता यही है। देखो क्योंकि पूर्ति कहने की मार्केट में पूर्ति हो रही है, जब पूर्ति हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है हम उस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसको अगर 23,000 में माल मिल रहा है और एक वही माल जिसको नया वाला दूसरा मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, आप जरा अनुमान लगाएगा। सुधारा थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है, कल भी अच्छा गया था वैसे। कल सुनने में आया था कि 23,500-23,600 के आसपास भी मैंने सुना है। आज की आवक 5-7,000 से घटे ज़्यादा नहीं, कम है सर। 5,000 के आसपास, सरकारी में तो 150 कट्टे मतलब ये पूरा टोटल ओवरऑल 5,000 के आसपास होगा। लहसुन का हो सकता है कि अभी 5-10 दिन में या तो 200-400 रुपये सुधरे या 200-400 रुपये जा सकते हैं। मेंटेन बराबर रह जाए, मेंटेन रह जाए तो अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ बराबर रह जाए सुधरेगा, क्योंकि सुधरना देखो दिख नहीं रहा है, क्योंकि नया लहसुन धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है, कम है मात्रा। 3 तारीख की अगर बाकी मैं तो भगवान से ही बोलता हूँ वो 30,000 भी जाए, लेकिन वास्तविकता पे चलना पड़ेगा। 3 तारीख की अगर 3-4 तारीख में अगर बारिश होती है तो लेट हो जाता है, तो रिस्क वाला फैक्टर, वो रिस्क वाला फैक्टर। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है, 71 लगा हुआ है, 176 लगा हुआ किसान भाई, कहीं ना कहीं 176 लगा हुआ किसान भाई, 15,000 लगा हुआ किसान भाई, कहीं ना कहीं 15,000 लगा हुआ, 16,000 लगा हुआ किसान भाई, 16,000 कितना लिखा सुनी भैया, 18,000 किसान भाई, ये वाला गया 18,000 रुपये के हिसाब से। लहसुन देखेंगे उसमें बम साइज़ वाला भी दिख रहा है अपने को, उसके अलावा लड्डू साइज़ भी दिख रहा है कहीं ना कहीं पैटर्न पर, मीडियम साइज़ भी दिख रहा है। देखा जाए तो तीनों ही तरह के मिक्स है इसमें माल है, और ये भी का 18,000 रुपये के साथ। क्या नाम है? अशोक रघुवंशी। रघुवंशी जी कहाँ से आए? जामोदी पीतमपुर। क्या भाव क्या लहसुन? 18,000। कितने कट्टे लेके आए थे? 9 कट्टे। 9 कट्टे कितना पड़ा है? और पड़ेगा तो 80,000 हो। चलिए, जय जवान जय किसान। ठीक है भाई, ये वाला भी कहीं ना कहीं 18,000 के हिसाब से बिका। लहसुन देखेंगे तो मोटा साइज लहसुन भी आ रहा है इसमें, लड्डू साइज भी आ रहा है, मतलब मिक्स माल है कहने के, देखा जाए मीडियम साइज, बम साइज और लड्डू साइज तीनों मिक्स आ रहा है कहने के, और ये 18,000। दादा क्या भाव बिकते हुए देखा? 18,000। अब आपके माल ये वाला भी 10 कट्टे आप क्या लेके आया दादा? लेके अभी बिका के नहीं?
अभी नहीं बिका। क्या नाम था आपका? राहुल। राहुल जी, वीडियो कैसे लगते हैं आप? एक नंबर। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया, ये वाला क्या 19,300 के हिसाब से लहसुन देखेंगे तो इसमें बड़ा साइज भी आ रहा है, बम साइज भी आ रहा है और लड्डू साइज भी है, कहने के मीडियम। 19,300 बिका ना, 19,300 बिकते हो देखा आपने। अलादा क्या नाम है? कहाँ से? पटाड़िया से। क्या भाव बिकते हो देखा आपने वाला? 19,300। किसान भाई, किसान का माल लिया, उन्होंने बिकते हुए देखा है और पटाड़िया के ही है कहीं ना कहीं। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया, ठीक है। दादा क्या नाम है? श्रवण जाट। कहाँ से आए जाट? सलकनपुर, हर जिले से। वीडियो कैसे लगते हैं आप? बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी देते हो आप। सही जानकारी मिल रही है और माल बेचने में आसानी होती है, बड़ा फायदा मिल रहा है। बहुत 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 इंटरनेट बात मिल जाती है कि क्या बिकता है, वास्तविक जानकारी मिल रही है। जानकारी, चलिए, जय जवान, जय जवान। किसानों की तरफ से सेवा देते रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय जवान, जय बलराम। ये वाला कहने के लड्डू पैटर्न में माल है और ये गया है 15,000 के हिसाब से। इसमें छर्री साइज भी आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें लड्डू साइज तो है ही है, साथ में छर्री साइज भी कहने के इक्का दुक्का बीच में, और ये 15,000 के हिसाब से किसान साथ में। दादा क्या नाम है? शिवाजी। शिवाजी, क्या बात है, क्या नाम है, क्या भाव क्या आपका? ये 15,000। कितने घंटे लेके आए? 8 घंटे। अभी कितना माल पड़ा होगा? कहाँ से आया दादा? ये वाला कहीं ना कहीं बिका 18,000 के हिसाब से। अगर माल की बात करूँ तो माल ठोस है कहीं ना कहीं, और अगर देखा जाए पैटर्न की बात करें इसमें तो लड्डू साइज और बम साइज तो नहीं है, हालांकि बाकी लड्डू साइज से मीडियम साइज वाला है। उसके अलावा कहीं कहीं इक्का दुक्का छर्री साइज भी अपने को देखने को मिल रहा है इसमें, और ये क्या 18,000 के हिसाब से। किसान साथ में बात कराता हूँ। दादा क्या नाम है आप? गोविंदपुरा से आए। क्या भाव क्या लहसुन आपका? ये 18,000। कितने कट्टे लेके आए थे? 20 कट्टे। अभी कितना माल पड़ा हुआ है? और 20 है, बाकी लगभग खत्म हो गया। अभी इस बार कितना लगाया था लहसुन? 8 बीघा लगाया। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बल। अच्छा, जो नया वाला वो कब तक आ जाएगा? फरवरी तक आएगा। चलिए, जय जवान, किसान भाई। ये वाला बिका कहीं ना कहीं 155 रुपये के हिसाब से। माल देखेंगे लड्डू पैटर्न और छर्री साइज पैटर्न में कहीं ना कहीं, और ये वाला क्या है 155 रुपये के हिसाब से। दादा भाई क्या भाव बिकते हो देखा? 155। 15,500। चलिए, जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया, 164 कहीं ना कहीं लगा हुआ है। 164 वो वाला क्या कहता था, जो क्या कहता था, जो अपन बोली लग रही स्टार्टिंग में, 177। ये 164 लगा हुआ कहीं ना कहीं ना, माल सुपर है, सुपर माल है भैया। 164 लगा हुआ कहीं ना कहीं, 156 लगा हुआ किसान भाइयों, 156 लगा हुआ किसान भाई, नया लहसुन है कहीं ना कहीं। 157 रुपये लगा हुआ है। 158। ये वाला क्या 158 रुपये के हिसाब से, यानी 15,800 नई लहसुन है कहीं ना कहीं, और ये क्या 15,800 के हिसाब से। 111 लगा हुआ, 145 लगा हुआ किसान भाई, 145 लगा हुआ किसान भाई, 150 किसान भाई। ये वाला डन हो गया 150 रुपये में, नए लहसुन है कहीं ना कहीं, और ये क्या 150 के हिसाब से। 46 रुपये लगा हुआ कहीं ना कहीं, 46 रुपये लगा हुआ फिलहाल, अभी नया वाला लहसुन है कहीं ना कहीं। एक कली का माल है, एक कली का ये कहीं ना कहीं। भाई ये वाला बिका कहीं ना कहीं 175 रुपये के हिसाब से। लहसुन अगर देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो मीडियम साइज है, और कहीं ना कहीं लड्डू पैटर्न में भी कहीं ना कहीं बीच में, मीडियम साइज से थोड़ा सा मोटा वाला भी है कहीं ना कहीं। लड्डू पैटर्न में तो ज़्यादा नहीं दिखा, मीडियम साइज ज़्यादा दिख रहा है, और ये क्या 175 रुपये। दादा क्या नाम है? ये वाला गया 90, लेकिन अगर इसमें लहसुन देखेंगे तो पूरी तरह से आप देखो खराब हो चुका है। ये वाला देखो आप, ये हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं ये पोचापन आ चुका है। 90 रुपये के हिसाब से गया है, यानी 9,000 के हिसाब से पोचापन आ रहा कहीं ना कहीं।
किशन भाई ये वाला क्या 17,600 के हिसाब से। लहसुन देखेंगे तो कहने की मीडियम साइज है कहने के, और लड्डू पैटर्न में बीच बीच में कहने की देखने को मिल रहा है 17,600 क्या है। ये एक नया वाला माल है जो कि कहीं ना कहीं किसान साथ में, क्या भाव गया भैया? क्या क्या भाव गया ये? 13,000 रुपए के हिसाब से गया। किसान से थोड़ी बात कराता हूँ मैं आपको। दादा क्या नाम है? पाटीदार जी कहाँ से आया? क्या भाव गया आपका नया लहसुन? 13,000। कितने कट्टे लेके आ जा? 3 कट्टे। अभी ये वाला माल आप मतलब अच्छी साइज में कब तक आपके पास आ जाएगा? ये लगेगा फिर भी एक अंदाज कितना दिन लगेगा? 2 महीने। 2 महीने क्या बात कर रहे हैं? माल आएगा माल। अच्छा अच्छा माल आएगा। 1.5 महीने में नहीं आ पाया? नहीं आएगा। अभी कितना लगाया हो? कितना कम ही लगाया था। अच्छा अच्छा दादा वो वाला किसका माल था? 17,000 वाला। 17,000 दादा 1,76,17,600। कितने कट्टे लेके आए थे आप? 19 कट्टे। अभी कितना माल पड़ा हुआ है? 100 कब तक आने की संभावना है? अभी 2 महीने लगेंगे। आज जो भी किसान भाइयों मैं आपके सामने जानकारी लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मेरा बोलना है कि अभी नया लहसुन कब तक आ सकता है और किसानों के पास पुराना कितना पड़ा है, तो आप अंदाज लगाना चालू कर देना कि नया कब तक आ सकता है और आपको पुराना कब तक निकालना, क्योंकि ये भी आपको गणित मिलेगा जब हम पूछेंगे किसानों से कि आपका माल कब तक आने वाले संभावना है। चलिए जय जवान थोड़ा सा जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है भैया क्या ये 115 लगा हुआ किसान भैया छर्री पैटर्न में, और कहीं कहीं छर्रा पैटर्न में 11,500 लगा हुआ कहीं ना कहीं 11,500 लगा हुआ है। 115 कहीं ना कहीं लगा हुआ है 11,500 लिखवा दिया 11,500 में पक्का किसान भाई। ये वाला एक ही कट्टा था और ये गया 11,500 के हिसाब से। छर्री साइज माल अगर देखा जाए इसमें तो छर्री साइज ही माल आ रहा कहीं ना कहीं, और ये गया 11,500 के हिसाब से। एक कट्टा ही था लेकिन बता दूं आपको 51 और वाला बिक्या वाला हो गई किसान भाई। ये वाला गया 35 के हिसाब से, यानी 3,500 के हिसाब से कहने की। ये अभी नया वाला है लहसुन और लंबी साइज देख रहे होंगे आपको छर्री साइज है कहने की, और ये गया 3,500 के हिसाब से।